हम लोग यहाँ पर जो इस जून में जून एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए थे 2023 में, तो दो ही क्वेश्चन आए हुए थे इस बार, तो हम लोग उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे या पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके आई थिंक कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीटेड हैं, तो आई थिंक वी कैन डिस्कशन लेटर आल्सो। सो 2023 क्वेश्चन है इस यूनिट में जो कि पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। सो वी कैन कवर इन वन क्लास टू क्लास ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट 6। ओके सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोशल कंटीजेंसी इज, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सबको? मैंने हेडफोन नहीं लगाया, अगर आवाज क्लियर आ रहा है देन आई कैन कंटिन्यू विदाउट। यस सर आ रहा है आवाज। ओके फाइन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोशल कंटीजेंसी, कोई भी सामाजिक आपदा आती है तो उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोशल वेलफेयर, सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर सर्विस या सोशल सिक्योरिटी? सर सोशल सिक्योरिटी। एवरीबॉडी प्लीज मेंशन द आंसर विद द क्वेश्चन नंबर इन द चैट बॉक्स। सो द फर्स्ट वन दैट इज सोशल वेलफेयर, सेकंड सोशल सर्विस, थर्ड वन सोशल वेलफेयर सर्विस एंड फोर्थ वन सोशल सिक्योरिटी। तो कोई भी सामाजिक आपदा आती है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, तो उस टाइम पर इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटेक्शन दैट इज कॉल्ड एट सोशल सिक्योरिटी। सो सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? इसी प्रकार की भी कंटीजेंसी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए जो एक एज के बाद लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, या डिसेबल्ड पर्सन है, या अनएम्प्लॉयड है, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उसके अगेंस्ट में एक इकोनॉमिक या सोशल प्रोटेक्शन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा इंडिविजुअल्स को या फैमिली को, कम्युनिटी को, वो एक सोशल सिक्योरिटी कहलाती है। ओके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट पेंशन है, या डिसेबल्ड पर्सन को जो पैसे दिए जाते हैं, या किसी प्रकार का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, या फिर बेरोजगारी भत्ता है, अनएम्प्लॉयमेंट इनकम इंश्योरेंस दिया जाता है, वो सभी के सभी आपके काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के अंदर आ जाते हैं। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है? इसमें भी सर किसी का सहायता करना, सहायक बनना, किसी को ठीक कोई आइटम को मतलब सो उसकी जरूरत है उसको पूरा करना। है ठीक है। सोशल वेलफेयर वी कैन से लाइक काइंड ऑफ रेंज ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या किसी एजेंसी, किसी एनजीओ के द्वारा जो है इनिशिएट किए जाते हैं, ताकि इंडिविजुअल कम्युनिटी के अंदर जो भी लोग हैं उनकी वेलबींग को हम बेहतर बनाएं, या किसी भी रूप में उनकी मदद करें, हेल्प करें, जो भी उनकी समस्याएं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर के सपोर्ट प्रोवाइड कराना, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, जैसे कि जिनके पास घर नहीं है उनको घर प्रोवाइड कराना, जिनके पास एजुकेशन नहीं है उनको एजुकेशन एक्सेस दिलाना, तो ये सभी के सभी चीजें जो है आपकी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर आ जाते हैं। प्रोग्राम हो सकता है, कोई पॉलिसी हो सकती है, कोई इनिशिएटिव हो सकता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी एजेंसी के द्वारा इनिशिएट इंप्लीमेंट किया जाता है, दैट इज सोशल वेलफेयर। इसी प्रकार से सोशल सर्विसेज होती है। सोशल सर्विसेज का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी या प्रोग्राम बोल सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी जो कि किसी भी एजेंसी के द्वारा, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी हो या कोई एनजीओ हो या किसी प्रकार की कम्युनिटी इनिशिएटिव हो सकता है, उसमें जो है जैसे कि काउंसलिंग प्रोवाइड कराना, रिहैबिलिटेशन करना, या कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होता है सपोर्ट करना, चाइल्ड या फैमिली सपोर्ट होता है, वो आपका सोशल सर्विस के अंदर आता है। ताकि हम सोसाइटी को इम्पावर कर पाए, सोसाइटी में इंक्लूजन को बढ़ा पाए, इस प्रकार से वो आपका सोशल सर्विस कहलाता है। काइंड ऑफ वी कैन से एक्टिविटी विच इन्वॉल्व इन दिस सोशल सर्विस। सोशल वेलफेयर सर्विस का मतलब होता है दोनों को कॉम्बिनेशन, सोशल सर्विस प्लस सोशल वेलफेयर, दैट इज सोशल वेलफेयर सर्विस। सो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंटल सोशल वेलफेयर इज अ मैक्रो लेवल कंसेप्शन एंड रीजन दिया है डेवलपमेंटल सोशल वेलफेयर अटेम्प्ट्स इंस्टीट्यूशनल चेंज। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और आंसर देने की कोशिश करिए। ओके क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंटल सोशल वेलफेयर का मतलब क्या हुआ? आपको दोनों को पढ़ना है, दोनों को समझना है,
क्योंकि यहाँ पर लिखा है डेवलपमेंटल सोशल वेलफेयर इज ए मैक्रो लेवल कंसेप्शन, और मैक्रो लेवल कंसेप्शन का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि रीजन दे रहे हैं कि डेवलपमेंटल सोशल वेलफेयर अटेम्प्ट इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, इसलिए ये आपका मैक्रो लेवल कंसेप्शन है कि जो बड़े लेवल पर हम जो बदलाव करते हैं या पॉलिसी में, या गवर्नमेंट पॉलिसी या किसी प्रकार का कोई लेजिस्लेशन है उसमें बदलाव करना, चेंज करना, वो आपका मैक्रो लेवल एक बोल सकते हैं बदलाव कहलाता है या फिर चेंज कहलाता है। बड़े स्केल पर बदलाव करना है, रिप्लेस करना है, जैसे मान लीजिए जो एग्जिस्टिंग लॉ बना हुआ है, पॉलिसी है, प्रोग्राम है, उसमें बदलाव करना, उसमें चेंज करना, वो इंस्टीट्यूशन चेंज कहलाता है। सो दैट इज मैक्रो लेवल कंसेप्शन। ओके, तो दोनों ही करेक्ट है, कोई भी इसमें गलत नहीं, सेकंड विल बी राइट आंसर। क्लियर है? यस यस सर। सर, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, आंसर दीजिए। अच्छा, इसमें जो मीटिंग आईडी, इसमें कैसे देखते हैं, कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाए क्लास? सर इन योर सेटिंग्स देयर इज अ मीटिंग आईडी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, सोशल प्रोटेक्शन आर इमर्जिंग एज अ की सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी फोकसिंग ऑन दी सोशल सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी रिडक्शन। ये बता रहे हैं कि जो सोशल प्रोटेक्शन है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि किसी प्रकार की सोशल प्रॉब्लम्स होती है उसको लेकर के हम जो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं बाय द गवर्नमेंट, बाय द अदर एजेंसी, सो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी है जिसका फोकस होता है कि समाज में सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करना या पॉवर्टी को कम करना, इस पर ज्यादा फोकस होता है सोशल प्रोटेक्शन का। अ यूनिफाइड अप्रोच इन दी रिस्पॉन्स टू द परसीव्ड इंक्रीज इन दी वल्नरेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन कैन इम्प्रूव सोशल प्रोटेक्शन। ये बोल रहे हैं कि जो यूनिफाइड अप्रोच हम यूज करते हैं, एक पॉपुलेशन जो कि किसी प्रकार के मतलब वल्नरेबिलिटी फेस कर रही है या प्रॉब्लम है उनकी, वो दिख रही है, परसीव, दैट इज परसीव्ड इंक्रीज, दैट कांट बी इम्प्रूव सोशल प्रोटेक्शन। तो ये जो अप्रोच होती है यूनिफाइड अप्रोच, जिसके माध्यम से हम सोशल प्रोटेक्शन को इंश्योर नहीं कर सकते या इम्प्रूव नहीं कर सकते, ये इसमें बोला जा रहा है। इज इट राइट और रॉन्ग? कैन नॉट इम्प्रूव सोशल प्रोटेक्शन, क्योंकि यूनिफाइड अप्रोच से तो हम सोशल प्रोटेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी कम्युनिटी या इंडिविजुअल जो है किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स को अगर फेस कर रहे हैं या वल्नरेबल है किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, सो बाय द यूनिफाइड अप्रोच वी कैन इजिली हैंडल एंड वी कैन इम्प्रूव द सोशल प्रोटेक्शन। सो ऑप्शन नंबर जो रीजन दिया है वो गलत होगा, वो सही नहीं है। ठीक है, बाकी आपका असेसमेंट करेक्ट है, सो वी कैन मार्क ऑप्शन नंबर 3। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? सोशल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि वो पॉलिसी प्रोग्राम जिसके माध्यम से हम लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बेरोजगारी है या कोई बीमारी है, डिसेबिलिटी है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, ओके, इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, उसको कम करना, रिड्यूस करना, ये सोशल प्रोटेक्शन के माध्यम से होते हैं। ओके, तो जो यूनिफाइड अप्रोच होती है, एक तो होती है आपकी फ्रेगमेंटेड अप्रोच। फ्रेगमेंटेड अप्रोच का मतलब होता है कि जैसे कोई भी इश्यू है उसको लेकर के एक पर्टिकुलर अप्रोच हम अपना रहे हैं तो उससे वो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम सोसाइटी में होती है तो हमको एक यूनिफाइड अप्रोच अपनानी पड़ती है ताकि लोगों की हम जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम टैकल कर पाए अच्छे तरीके से। सो दैट इज यूनिफाइड अप्रोच, सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सोशल वर्क इज रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सोशल पॉलिसी इनटू सोशल वेलफेयर। ये इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है।
आंसर होगा, सोशल वर्क रिसर्च। ये सभी के सभी यहाँ पर मेथड लिखे हुए हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड। तो आंसर देने के बाद बताइए इनमें से कौन कौन से प्राइमरी मेथड है, कौन कौन से सेकेंडरी मेथड है। सोशल वर्क प्रैक्टिस में जो हम मेथड्स यूज करते हैं, थ्री आपके प्राइमरी मेथड होते हैं, इसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, और तीन आपके सेकेंडरी मेथड होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी डी विल बी राइट आंसर। एंड आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस, इनमें से कौन कौन से प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड है, प्लीज आंसर इन दी चैट बॉक्स। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन आपका एक मेथड है जो कि रिलेटेड है काइंड ऑफ वैकेंसी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सोशल पॉलिसी इनटू सोशल वेलफेयर। मतलब जो भी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी एजेंसी के द्वारा कोई पॉलिसी बनाई जाती है, तो हमको उस कैसे ग्रास रूट लेवल पर उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, लोगों तक पहुँचा पाते हैं, वो सभी सोशल वेलफेयर के माध्यम से। ठीक है, जो भी सर्विसेज हैं प्रोग्राम के माध्यम से, पॉलिसी के माध्यम से, हम वो कैसे हम इंश्योर कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट कर पाते हैं बेहतर तरीके से, उन सभी को ग्रास रूट लेवल पर कम्युनिटी तक पहुंचा सकते हैं। तो दैट इज सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। प्रियांशी गुप्ता, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी, सोशल वर्क रिसर्च, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एक्शन विल बी सेकेंडरी। बिल्कुल करेक्ट है डॉक्टर विवेक, आपके सर एक्शन वेलफेयर आपका सेकेंडरी मेथड। ठीक है, सभी के आंसर करेक्ट है। आईवरन ये भी ठीक है आपका, फाइन। सो यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी के जो है आंसर करेक्ट है। प्राइमरी मेथड आपके जो है सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, और सोशल वर्क रिसर्च, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एक्शन इज द सेकेंडरी मेथड। क्वेश्चन नंबर फाइव, पंचायती राज सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड इन सर, टर्म। एक सर जो मैंने एक दिन क्वेश्चन किया था कि इसको किसने डिवाइड किया है तीन पार्ट में, प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो सर मैंने फिडलैंडर के बारे में पढ़ा था कि फिडलैंडर ने इनको डिवाइड किया था, किसके द्वारा? तो फ्रेड लैंडर फ्रेडलैंडर, आई डोंट नो, आई जो ठीक एरियंस, हाँ जो एरियंस की बुक है ना सर, उसमें दिया गया हुआ था। है मैं देखूंगा। वैसे ऐसे तो कोई नहीं किया गया डिवाइड किसी के द्वारा, स्टिल आई विल चेक, है ना। मुझे आप बुक भेज देना, रेफरेंस भेज देना, उससे मुझे इजी रहेगा समझने में। ठीक है, ठीक है या सर, बुक ठीक है। रहेगी। बाकी जो मेथड्स हैं वो आपके डिवाइड है ऑन द बेसिस, जैसे कि मान लीजिए प्राइमरी मेथड है जहाँ पर सोशल वर्कर का जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए उसको प्राइमरी मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड कॉमन सेंस। सेकेंडरी मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड होता है जहाँ पर सोशल वर्कर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, इनडायरेक्टली होता है, तो इसलिए हम सेकेंडरी मेथड बोल रहे हैं उसको, इनडायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर दीजिए, पंचायती राज सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, ग्रास रूट लेवल प्लानिंग, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऐसे ही होता है कुछ, एंड इंटीग्रेटेड रूरल यस डेवलपमेंट। सर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ओके, लोकतांत्रिक, विच ऑप्शन विल बी राइट। ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर लिखा है पंचायत राज सिस्टम। ओके, पंचायती राज सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इसको लाया गया था इंडिया में। इसका जो मेन प्रिंसिपल बोल सकते हैं या सिद्धांत था, दैट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि पावर को हम जो है, जो सेंटर के पास पावर होती है, उसको हम लोकल लेवल तक पहुंचाते हैं, या पावर को हम डेवलप कर देते हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लोकल लेवल। जैसे कि मान लीजिए इसके तीन इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं, या बोल सकते हैं थ्री टीयर, कौन कौन से होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के सिस्टम के, एनीबॉडी? सर एक ग्राम पंचायत लेवल होता ग्राम है, और पंचायत, एक ब्लॉक, और ब्लॉक समिति, एक समिति होती है, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, एक जिला इसको परिषद जिला होता है, ये बोलते हैं पंचायत, पंचायत परिषद। समिति, ब्लॉक पंचायत, सॉरी ग्राम पंचायत, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर जिला परिषद। इसको हम बोलते हैं विलेज काउंसिल, पंचायत समिति को बोलते हैं ब्लॉक कमेटी, और तीसरा होता है दैट इज जिला परिषद।
है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोलते हैं। सो दीज आर द थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो कि पंचायत राज सिस्टम के अंदर आती है। इसका जो मेन प्रिंसिपल है या सिद्धांत है वो वर्क करता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ताकि जो पावर है सेंटर के पास उसको जो है हम लोकल लेवल तक पहुंचाएं थ्रू दीज थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट। कि तीनों लेवल पर, ग्राम लेवल पर भी, ग्राम जैसे ग्राम पंचायत है उसके पास भी पावर होती है 5 साल तक, उसमें भी इलेक्शन होता है, जो ग्राम प्रधान होता है सरपंच जिसको हम बोलते हैं उसको चुना जाता है, तो पावर जो है डिसेंट्रलाइज हो जाती है लोकल लेवल तक। उसको ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? सही यस सर, है, यस सर, ये तीनों याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वो एक जैसा क्वेश्चन दे दें, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए वो ऐसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द पार्ट ऑफ ये एक्सटर्नल टास्क एनवायरनमेंट फॉर द वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है बाहरी वो हिस्सा है इसका, बाहरी एक्सटर्नल टास्क एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी, स्टाफ या कोई भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क्स, में से कौन से बाहरी हिस्सा है। मतलब इनका भी इम्पैक्ट होता है किसी भी संस्था, किसी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन पर, लेकिन ये बाहरी हिस्सा होते हैं। ये सभी के सभी जितने भी यहाँ पर नीचे स्टेक होल्डर दिए गए हैं, इनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, या बोल सकते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किसी भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है या जो मिशन है उसको कंप्लीट करने में, अचीव करने में। ओके, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी हो या कोई फंडिंग एजेंसी हो या फिर जो नेटवर्क है या अदर वॉलंटरी, मतलब कोई भी बाकी जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, संस्थाएं होती है। ओके, वो भी एक काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर की तरह काम करती है। हो सकता है कभी कभी बहुत सारी संस्था आपस में मिलकर कोलेबरेट भी करते हैं, पार्टनर्स भी बनते हैं, तो उनका भी इन्फ्लुएंस होता है। तो इनमें से कौन सी है जो कि बाहरी है एक्सटर्नल टास्क के बाहर। पहला गवर्नमेंट हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन लॉ होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी इम्पैक्ट करते हैं। दूसरा है फंडिंग एजेंसी जो कि फंड देती है किसी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को, इसके माध्यम से वो प्रोग्राम या पॉलिसी को जो है चलाते हैं। स्टाफ, स्टाफ आपका बाहरी नहीं होता है, इंटरनल। तीसरा है डी, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बाहर। और दूसरी, जैसे मैंने बताया कि और भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि कोलेबरेट करेगी किसी भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कोलेबरेट भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, तो इनका भी इंटरेस्ट रहता है। और डी नंबर, दैट इज द नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, कि जिसके माध्यम से वो रिसोर्सेज को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं या एक्सेस कर पाती हैं जो सभी संस्थाएं, उस नेटवर्क बोलते हैं। तो ये सभी के सभी बाहरी होते हैं एक्सेप्ट दी स्टाफ। स्टाफ आपका इंटरनल टास्क। ए बी डी ई, डी विल बी राइट आंसर। इसमें किसी को डाउट? ठीक है, अदर एजेंसी एडेड। हाँ, बाहरी एजेंसी भी जो है बाहरी एक्सटर्नल टास्क एनवायरमेंट के अंदर आए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द मोर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ द मैनेजमेंट। इसमें बोला जा रहा है कि अच्छा आप लोग पढ़िए, समझिए, आंसर दीजिए। प्लीज एवरीबडी, सभी लोग आंसर दीजिए प्लीज, टेक्स्ट इन दी चैट बॉक्स। वंशिता डी, बी डॉक्टर विवेक डी, अगुण सिंह बी, दिस इज द 12th पार्टिसिपेंट इन द क्लास, प्लीज एवरीवन प्लीज आंसर दीजिए। हम लोग लाइव क्लास में रहते हैं तो प्लीज एक्टिव रहें। ठीक, अगर आंसर गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ आंसर गलत होगा तो आप बाद में आंसर करेक्ट कर पाएंगे। सुनीता, कविता, जितेंद्र, आप लोगों के आंसर नहीं आते हैं। अनिका, चारू,
एवरीबडी, विच ऑप्शन विल बी राइट। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट फॉलोइंग फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द मोर डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। ये बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट के अंदर अगर हम सिस्टम को ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो इनमें से चार ऑप्शन में से क्या नहीं होगा, विल नॉट रिजल्ट। ओके, अगर मान लीजिए किसी भी संस्था के अंदर, प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी भी संस्था के अंदर हम अगर ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर देते हैं सिस्टम को, तो उससे क्या होगा। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस, ओके, जिसमें जो पावर होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हम लोअर लेवल पे भी डेलीगेट कर देते हैं, दे देते हैं, मतलब जहाँ पर कई बेनिफिट हो सकते हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, सबको अगर मौका मिलता है पार्टिसिपेशन का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ओके, तो कहीं ना कहीं जैसे जूनियर्स हैं किसी मैनेजमेंट के अंदर, उनको भी मौका मिलता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भागीदारी करने का, तो कहीं ना कहीं उनका भी इम्पावरमेंट होता है, वो भी स्किल्स लर्न करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, ओके, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा होते हैं। तो इसमें चीज और ऑप्शन दिया, पहले लिखा है इंक्रीज मोटिवेशन अमंग दी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन, तो मोटिवेशन बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, जो लोअर लेवल होगा, एक अपर लेवल होगा जो डिसीजन हमेशा लेता है, अगर हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं तो जो लोअर लेवल होगा वो भी इन्वॉल्व होगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन बढ़ता है, दोज एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन। तीसरा लिखा है, नेक्स्ट लिखा है ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन दी डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में क्या कंसिस्टेंसी बढ़ती है या कम होती है। तीसरा ऑप्शन लिखा है द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स अमंग द जूनियर्स मेंबर विद द मैनेजमेंट, बिल्कुल सही लिखा है, जब भी जो जूनियर मेंबर हैं वो अगर इस प्रोसेस में हिस्सा लेंगे, उसका पार्ट बनेंगे, तो ऑफकोर्स स्किल्स उनके अंदर डेवलप होगी, ओके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है शुरुआत से ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर है, तो वो समझेंगे प्रॉब्लम को भी, अंडरस्टैंड करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सभी चीज़ को समझेंगे, तो उनके अंदर स्किल्स भी डेवलप होगी। एंड इंक्रीज इन द स्पीड एट विच एसेंशियल डिसीजन आर मेड, ओके, तो क्या ये ऑप्शन नंबर बी और डी में कौन सा करेक्ट है। स्पीड इन दी इंक्रीज इन दी स्पीड एट विच एसेंशियल, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें जो है मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जल्दी हम डिसीजन ले पाएंगे, ओके, तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है, केवल आपका बी गलत है। ठीक है, देखिए कंसिस्टेंसी डिसीजन मेकिंग में बढ़ती नहीं है, आई थिंक कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होती है, और वो बोल सकते हैं कि इनकंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम जो लोअर लेवल है, मान लीजिए जूनियर्स किसी मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर बहुत सारे हैं, या बहुत सारे लोग डिसीजन ले रहे हैं, ओके, तो हो सकता है कि लोगों के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं किसी भी डिफरेंट पॉलिसी को लेकर के, ओके, अगर दो मैनेजर हैं तो वो अपने तरीके से जो है प्लान परफेक्शन तैयार करेंगे, उनका अलग तरीका हो सकता है, तो उसमें कंसिस्टेंसी बढ़ेगी नहीं, कम हो सकती है, ओके, इसी वजह से बी और आपका ऑप्शन नहीं होगा, बाकी के तीनों करेक्ट होंगे। क्लियर है, डी नहीं होगा, बी होगा। बट क्लियर है, सर, जब यस यस, डेमोक्रेटिक है यहाँ पे, तो जब डेमोक्रेटिक में तो सभी लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, तो इसमें फिर स्पीड इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। सी देखो डिसीजन लोग, अगर डिसीजन अगर ज्यादा लोग लेंगे तो फिर जो है तो इजी होगा ना डिसीजन लेने के लिए, ओके, जैसे मान लीजिए जूनियर भी इन्वॉल्व, मतलब उनका उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करा रहे हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, ओके, तो अगर हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कराएंगे, मतलब हम डिसीजन लेकर उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो डिसीजन हम जल्दी ले पाएंगे, है ना। एक तो होता है कि कोई एक इंडिविजुअल पर्सन होगा तो वो डिसीजन जल्दी ले सकता है, लेकिन ओके, यहाँ पे लिख रहे हैं कि मोर डिसेंट्रलाइज, हम ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो डिसीजन तो ले सकते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं हो सकती है, डिसीजन तो हम ले ही पाएंगे ना, ओके सर, कुड बी कंसिस्टेंस और नॉट, दैट दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो कंसिस्टेंसी उसका नहीं होगी क्योंकि ज्यादा लोग हो जाएंगे उसमें, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, ओके, तो इनकंसिस्टेंसी बढ़ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकंसिस्टेंसी रहेगा हमेशा, हम उसको भी ओवरकम कर सकते हैं कई प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके लिए हम गाइडलाइंस तैयार कर देते हैं, ओके, या फिर लगातार हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इवेल्युएट करते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो जो इनकंसिस्टेंसी है वो भी कम हो सकती है, लेकिन चूंकि चार ऑप्शन में आपको एक चूज करना है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है उससे बोल सकते हैं कि इससे इनकंसिस्टेंसी बढ़ती है, अगर हम ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, हम डिसीजन तो ले ही पाएंगे लेकिन वो इनकंसिस्टेंस होगा। क्लियर है, यस सर, क्लियर इसका है। ये लिखा है जैसे नॉट रिजल्ट फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन, इधर नॉट क्या दिखा रहा है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सही से। इसमें लिखा है कि
रिजल्ट कौन सा होता है, क्या नहीं होगा। जैसे यहाँ आगे लिखा है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, एक ऐसा मैनेजमेंट जिसको हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, मतलब ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, तो यहाँ पे लिखा है क्या रिजल्ट नहीं होगा, मतलब इनमें से क्या नहीं हो सकता, नहीं होगा। ओके, तो चार ऑप्शन दिए, तो अगर हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं तो क्या क्या हो सकता है ये हम देख लेते हैं। तो उसका जो बचेगा उसको हम मार देंगे कि मार कर देंगे कि दैट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ मोर डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। अभी जैसे हम लोगों ने पंचायत राज सिस्टम पढ़ा था, अभी तो डिस्कस किया था, तो वो भी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, उसमें पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, कि अगर उसको हम ज्यादा हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं तो इसमें से क्या रिजल्ट नहीं होगा। चार ऑप्शन, क्या सर आप मतलब बी क्लियर नहीं है? होगा ना सर? क्यों, ये तो होगा ना, ये तो अगर हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं तो दैट इंक्रीज इन द स्पीड एट विच एसेंशियल डिसीजन आर मेड। जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो तो हम तो जल्दी हम ले पाएंगे ना, अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो इसमें हाँ डिसीजन हम ले पाएंगे, लेकिन दैट दैट कांट बी अ कंसिस्टेंस, क्योंकि ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो हो सकता है कि ज्यादा लोग होने की वजह से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कंसिस्टेंस ना रहे, कंसिस्टेंसी उसके अंदर ना रहे, वो इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, वो ज्यादा नहीं होगा। यस सर, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा ना। हाँ बी बोल रहा हूँ मैं, बी आंसर होगा इसका, क्योंकि लिखा है विच इज नॉट रिजल्ट। क्लियर है? यस सर, यस सर, समझ में। यस सर, यस, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। आर द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग इन दी इंटरेक्शन पैटर्न, पहला स्टेप कौन सा होता है इंटरेक्शन मतलब बातचीत कम्युनिकेशन में, पहला स्टेप क्या है? दैट इज द फर्स्ट वन, इजी क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन की राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी इज आल्सो नोन एज, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, सभी का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? क्लोजनेस या बोल सकते हैं, तो उसकी जो भाषा होती है वो किस प्रकार की है, उसका टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी, लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है एनीबॉडी? प्रोक्सीमिटी का मतलब होता है सर कि जैसे कि प्रधानमंत्री के बगल कोई कुर्सी पे बैठा है, जैसे कि हायरार्की जो होती है तो उसमें जैसे कि मिडिल में या सबसे फर्स्ट राष्ट्रपति है, फिर प्रधानमंत्री के चेयर है, फिर गृह मंत्री है, तो ये सर जो है निकटता को दर्शाता है सर। बिल्कुल ठीक है, वो तो प्रॉक्सिमिटी हो गया। अभी लिख रहा है इसमें कि लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी, निकटता की जो भाषा है उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि क्लोजनेस को दर्शा रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त हैं तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप काफी क्लोज खड़े हुए हैं, ओके, एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए हैं, तो वो दिखाता है कि वो कितने क्लोज हैं, ओके, वो फ्रेंडशिप दर्शाता है। तो जो एग्जाम्पल है लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी का वो हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए दो लोग, मतलब मान लीजिए कपल है, ओके, तो काफी क्लोज है, ये दर्शाता है कि वो कपल है। अगर मान लीजिए दो लोग आपस में एक दूसरे को जानते नहीं या बहुत ही फॉर्मल इंटरेक्शन है, तो हाथ एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं या दूर से ही हेलो हाय करते हैं, तो वो दर्शाता है कि उनके अंदर प्रॉक्सिमिटी कितनी कम है या कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो जो लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता है काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें जो डिस्टेंस होती है वो दोनों के बीच में वो कम्युनिकेट का मीनिंग दर्शाती है कि किस प्रकार के उनके अंदर बीच में प्रॉक्सिमिटी है या रिलेशन है, उसको बोलते हैं लैंग्वेज जैसे ऑफ सर प्रॉक्सिमिटी। दो दोस्त गले मिल रहे हैं तो वो भी इसी में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो क्लोजनेस टुगेदरनेस है, इसका मतलब क्या है, उनके बीच में जो है लैंग्वेज प्रॉक्सिमिटी अच्छी है बोल सकते हैं, मतलब ये भाषा की बात कर रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल आपको बताना है कि किस प्रकार के कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में तो जैसे गेस्चर हुआ, फेशियल एक्सप्रेशन हुआ, बॉडी लैंग्वेज हुई, पॉस्चर हुआ, आई कॉन्टेक्ट हुए, ये सभी चीजें आती हैं, तो इसमें लैंग्वेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी आ जाएगी, तो उसको हम देख करके ये बता सकते हैं या हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो भी जैसे कि मान लीजिए गेस्चर के माध्यम से हम देख पाते हैं या फेशियल एक्सप्रेशन से समझ पाते हैं लोगों को या बॉडी लैंग्वेज से समझ पा रहे होते हैं, तो इसी प्रकार से दो लोग आपस में एक दूसरे के पास खड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस समय समझ पा रहे हैं कि इनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। ओके, दो लोग जैसे कि मान लीजिए दो फॉर्मल पर्सन है,
पर्सनली, मतलब मान लीजिए दो लोग जॉब करते हैं, एक दूसरे को जानते ही हैं, कभी कभी मिले हैं, उससे हमको दिख जाता है उनकी बातचीत करने से या हाथ मिलाने से कि आपस में एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन कुछ काम की वजह से आपस में मिल रहे हैं, तो वो आपको दिख जाएगा। ओके, वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होता है, उससे हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो बी यस आंसर सर। आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, लीडरशिप। कम्युनिकेशन का प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य? कम्युनिकेशन के माध्यम से जो है बातचीत या जो है इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इंफॉर्मेशन होगा इसमें लिखा, प्राइमरी या मेन ऑब्जेक्ट तो आपका इंफॉर्मेशन होगा, और तो बी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द की इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इलेक्टोरेट, जुडिशियरी। वो 10 नंबर वाले में सर यही होगा ना? यस इंफॉर्मेशन होगा। यस सर, यस सर। ओके, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। इसका मैंने जो फोटो भेजा हुआ था तिवारी, डॉक्टर दुबे, हाँ उसको मैंने करेक्ट कर दिया था। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, कौन सा क्वेश्चन था? एक पिक्चर भेजा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था कि आई थिंक ऐसे ही कुछ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, तो उसमें आई थिंक प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ था एक जगह, तो मैंने उसको चेंज करके पिक्चर को करेक्ट करके नोट्स में अपडेट हाँ कर सर, दिया। वो मैंने एक भेजा था जिसमें आपने पार्लियामेंट को डिफाइन किया था सर। हाँ तो पार्लियामेंट में सर, जैसे कि मैंने लक्ष्मीकांत में पढ़ा था, उसमें तीन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वो पार्लियामेंट में होते हैं ना, इसमें बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में, या जो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का काम होता है कि लॉ बनाना। ओके, तो जो पार्लियामेंट होती है, जो राज्यसभा है, जो लोकसभा है, वो लॉ बनाती है। ओके, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं जो कि उन सभी लॉ को इन्फोर्स करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके अंदर आते हैं बट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। सर सर, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लॉ बनता है उसमें प्रधान, जो राष्ट्रपति हैं, उनका मेन रोल ये होता है कि जब तक उनकी साइन के जब तक उनका साइन नहीं होता है तब तक कोई लॉ इफेक्ट नहीं होता है। तो बिल्कुल, वो इस पार्ट के जो है बेसिक पार्ट है वो, इसका मतलब तीनों लोगों का रोल होता है, उसमें राज्यसभा, देखो लोकसभा और राष्ट्रपति देखिए, का। लॉ बनाते नहीं है वो, जो 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 कानून बनता है, जो बिल बनता है, ओके, उसमें उनका साइन होता है तभी वो एक्ट बनता है। ठीक है, तो यस लो उनके सर, द्वारा बनाया नहीं जाता है, उनके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। जो लॉ बन रहा है, जो बिल बना हुआ है, वो इन्फोर्स तभी होगा जब उनके साइन होंगे। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्सिंग का काम होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी का। पार्लियामेंट के अंदर तीनों आते हैं, वो भी ठीक ही बात है आपकी, लेकिन लॉ बनाने का काम होता है राज्यसभा का और लोकसभा का। ओके, विद द कंसेंट ऑफ ओके सर। लॉ, जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है। तो मतलब जो इन्फोर्सिंग बॉडी है, जो इन्फोर्स कर रही लॉ को या इम्प्लीमेंट करना है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर सभी आ जाते हैं। ओके, वैसे तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो अपर हाउस, लोअर हाउस में ही बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं। ओके, उनकी ही वोटिंग होती है, तो उनको भी हम ले सकते हैं फिर इसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। तो ये सभी के सभी आपके, बट सर, जब हम संसद को पढ़ते हैं, पार्लियामेंट को पढ़ते हैं, तो उसमें तीन पार्ट में उसको पढ़ते हैं सर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वो आप तो तीनों इसमें आपके जैसे अभी आपने में कहा कि मिनिस्टर को ले सकते हैं, तो सर मिनिस्टर जो है लोकसभा में ही काउंट हो जाते हैं, राज्यसभा में ही मिनिस्टर काउंट हो जाते हैं सर, तो उनको अलग से इसमें नहीं ले सकते ना? देखो, जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं या काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, तो मिनिस्टर दोनों दोनों हाउस का हिस्सा होते हैं, यस सर। मतलब वोटिंग तो वही करेंगे ना। आप किसी लॉ बनाना होता है, बिल बिल पास होता है, तो किसके द्वारा पास किया जाता है? जब सब वोट डालते हैं तभी होता है ना। ओके, तो ये सभी के तो सभी सर वो तो एग्जीक्यूटिव, लोकसभा में है ही, लोकसभा में तो आ ही जाते हैं ना सर वो। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि लॉ बनाने का काम किसका होता है? राज्यसभा और लोकसभा का। उसके अंदर तो ये सभी लोग होते ही हैं, लेकिन इनका काम लॉ को इन्फोर्स करना होता है, इम्प्लीमेंट कराना होता है। ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, ना कि लेजिस्लेचर के। ओके सर। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। तो जो आपका लेजिस्लेचर होता है, जो बॉडी होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है लॉ बनाने के लिए, जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, उसका काम होता है कि जो भी लॉ बना हुआ है उनको इन्फोर्स कराना, इम्प्लीमेंट कराना।
उसके अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और वो बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और प्रेसिडेंट आते हैं। जुडिशरी का काम होता है जो लॉ बना हुआ है उसको सही से इंटरप्रेट करना और अप्लाई करना। इलेक्टोरेट इसका हिस्सा नहीं होगा इंडियन डेमोक्रेसी का। ये दो तीन हो जाए की इसका इंस्टीट्यूशन। जो स्टार्टिंग है वो ऐसे होगा, पहले लेजिस्लेचर बनाएगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव पास करे वो करेगा, एक्टिव करेगा, उसके बाद जजिस्ट्री पास करेगी ना। जुडिशरी पास नहीं करती है, आपके जो प्रेसिडेंट होता है वो उसकी कंसेंट लगती है बिल्कुल एक्ट बनने में, ठीक है। उसके बाद इन लोगों के द्वारा उसको एग्जीक्यूट किया जाता है लॉ को। जुडिशरी का काम होता है कि जो बना हुआ लॉ है उसको तो इंटरप्रेट करना और अप्लाई करना, ठीक, जब जरूरत पड़े। ये तो आपका ए बी ओ डी हो, सी विल बी राइट आंसर। ओके क्लियर है, क्वेश्चन यस सर, क्लियर है सर, नंबर 12, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए, आंसर दीजिए। यहाँ पर आपको फिल करना है डायग्नोसिस कल्चरल रिलेशन बिटवीन द मर्जिंग कंपनीज एंड डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच कल्चरल क्लासेस है, क्लास नहीं है, क्लासेस झगड़े हो सकते हैं, आर लाइकली टू बी अकर, कन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, क्लास में हो सकते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई भी मान लीजिए दो ऑर्गेनाइजेशन है वो साथ में मर्ज हो रहे हैं, दो कंपनियां मर्ज हो रही है, तो जो डिफिकल्टीज आती हैं डिफरेंट, जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर होता है, अपनी वैल्यू, अपनी प्रैक्टिस होती है, अपने गोल ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो जो ऑडिट है यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सा ऑडिट है जिसके माध्यम से जो है हम डायग्नोसिस कर पाते हैं, अलग अलग कंपनियों के कल्चर को डिटरमाइन कर पाते हैं कि किस हद तक, किस एक्सटेंट तक जो है आपस में डिफिकल्टी या कंफ्लिक्ट अराइज हो सकती है, क्लैश हो सकता है जब उनको मर्ज करेंगे, बिकॉज ऑफ देयर इज काइंड ऑफ डिफरेंसेस। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ये कंपनी है उसका फोकस है इनोवेशन पर, उसका जो विजन है, मिशन है, वो इनोवेशन फोकस करता है। दूसरी कंपनी भी है उसका फोकस होता है मास प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्ट का बड़े स्केल पे मास प्रोडक्शन करना, तो उसका विजन मिशन अलग है। अगर हम दो कंपनियों को मर्ज करेंगे तो बहुत सारी कंफ्लिक्ट